और दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेरोड चैनल में स्वागत है। और आज आपके लिए फिर से एक नई वैकेंसी, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी है स्टाफ नर्स के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल के लिए स्टाफ नर्स के लिए भर्ती 238 पदों के लिए भर्ती होगी। ठीक है, अब हम इसकी पूरी सारी डिटेल्स देख लेते हैं। कब ऑनलाइन चालू होगी, कब लास्ट डेट होगी, फ़ीस कितनी होगी, क्या क्या त्रुटियाँ होगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ऐसे ही आपको किसी भी वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना हो या तुरंत अपडेट होना हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलो चलते हैं हम अब डिटेल्स के ऊपर। तो दोस्तों, ये जो स्टाफ नर्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो शेड्यूल के लिए जो भर्ती होने वाली है, इसकी जो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है वो है 27 मई 2021। यानी 27 मई से इसकी ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो अंतिम तिथि होगी, लास्ट डेट जो होगी, वो होगी 15 जून। आप 15 जून तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है, उसमें जो सुधार करना हो, तो आप 13 जून से कर सकते हैं। 13 जून से लेकर 16 जून तक 4 दिन का आपके पास में टाइमिंग होगा। अगर से किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार कर सकते हैं। और परीक्षा की एग्ज़ाम जो होगी, उसकी जो टेंटेटिव डेट है, मतलब संभावित जो डेट है, वो 3 जुलाई दी गई है। ये कंफर्म डेट नहीं है, संभावित डेट है। परीक्षा संबंधी कोई आपत्ति अगर से आपको दर्ज करना है डेट से रिलेटेड, तो वो आप 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई 3 दिन के बीच में आप कर सकते हैं आपत्ति दर्ज। ओके, परीक्षा समय और स्थान की जानकारी पृथक से प्रस्तारित की जाएगी। आप आवेदन देकर, अब इसमें जो हमको फीस लगेगी, स्टाफ नर्स की जो फीस है वो कितनी लगेगी। अनारक्षित वर्ग हेतु 1100 रुपये, मतलब जो जनरल कैटेगरी के जो है उनके लिए फ़ीस लगेगी 1100 रुपये। OBC वर्ग के लिए फ़ीस लगेगी कितनी, या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उनके लिए 1000 रुपये। और जो SC और ST हैं उनके लिए फ़ीस लगेगी टोटल 900 रुपये। ओके, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभ्यर्थी का पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए, अनिवार्य है। अभ्यर्थी का जो आधार पंजीयन है वो अनिवार्य है। परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना आपको आवश्यक होगा। ठीक है, और आप तो बाकी सब जानते हैं। अभ्यर्थी को निश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार नंबर की जानकारी अनिवार्य है ना। चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ना है। परीक्षार्थी को परीक्षा में रिपोर्टिंग टाइम पे परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब में आने वाले अभ्यर्थियों को इसकी पात्रता नहीं होगी। ओके, हमने फीस भी दी, अब तो फिर ये बाकी आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, फ़ोन, मोबाइल, कैलकुलेटर, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। परीक्षा का जो माध्यम होगा वो अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम होगी आपकी। ठीक है, ओके, और कुछ नहीं है, बस यही था। और इसमें टोटल जो, हाँ, टोटल पोस्ट जो है वो है 238 पोस्ट है। देखिए यहाँ पे आप सीधी भर्ती हेतु, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सीधी भर्ती हेतु स्टाफ नर्स के लिए जो पोस्ट है वो कितनी है, 188 पोस्ट है। ओके, अनारक्षित के लिए देख लीजिए आप, 2 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसके लिए 20 पोस्ट है। जो ST है उसके लिए 30 पोस्ट है। अनुसूचित SC के लिए, अच्छा, 30 पोस्ट है। ST के लिए आपके यहाँ पर देखिए, ST कैटेगरी के लिए आपके पास 38 पोस्ट है। SC के लिए यहाँ पे 30 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 20 है। और जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 51 पोस्ट है। और अन्य पिछड़ा OBC वर्ग के लिए 49 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी है, 188 पोस्ट दी गई है। ठीक है, और उसके बाद में फिर 50 पोस्ट, और ये सीधी भर्ती संविदा, मतलब जो संविदा कर्मचारी है उनके लिए 20% आरक्षित पोस्ट है। वो टोटल पोस्ट है कितनी, 50 पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। 14, 5, 8 ये SC ST OBC है ना, ये टोटल पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ऐसी कुल मिला के 238 पोस्ट पर यहाँ पर सीधी भर्ती होने वाली है। ओके, और इसकी जो स्टाफ नर्स की जो सैलरी होगी, हाँ, इसकी जो एज है वो 18 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, 18 वर्ष जो काउंटिंग होगी वो होगी 1 जनवरी 2021 को, आपकी एज 18 वर्ष होना चाहिए। और इसकी जो सैलरी होगी वो होगी 5200 से 20200 प्लस 2800 रुपये आपको ग्रेड पे मिलेगा। लेवल 7 के अनुसार न्यूनतम वेतन आपकी होगी वो होगी 28700 रुपये। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पदों की संख्या में नियमानुसार वृद्धि या कमी हो सकती है। ठीक है, ये
आपको बता दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पर जो आरक्षण मिलेगा वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और कमज़ोर वर्ग, इनके लिए आप देख सकते हैं। एसटी के लिए यहाँ पे 20%, एससी के लिए 16%, ओबीसी के लिए 27%, और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 10% तक छूट है ना, आरक्षण दिया गया है। बाकी तो यहाँ पे जनरली ये यात्रा भत्ता आपको दे ही नहीं होगा। परीक्षा केंद्र जो है वो, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण एमपीए ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। ओके, ये आपको मैं नोटिफिकेशन बता दे रहा हूँ है ना, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसी के माध्यम से आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, ये आप बाकी देख सकते हैं। तो बस आपको यही जानना था है ना, सबसे इम्पोर्टेंट था कि प्रारंभ होने की डेट 27 मई और लास्ट डेट जो होगी वो 15 जून, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर से आपको वीडियो अच्छी लगी हो और डेली अपडेट होते रहना है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।